तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है केंद्र सुप्रीम कोर्ट का, ये जनवरी में ही फैसला आ गया था, लेकिन इसको रिजर्व करके रखा था, और उस अब जो है 8 महीने बाद वो फैसला सुना रहे हैं, उस बीच में जो है बिहार की वैकेंसी। और दूसरी बड़ी बात कि केवीएस का जो पेपर है वो पेपर हुआ, बच्चों ने कोचिंग लिया, अपना समय बर्बाद किया। अगर ये फैसला तभी आ जाता, जनवरी में ही आ जाता, तो अभी कम से कम 2 वैकेंसीज में हम लोग ना भरते, कोई और तैयारी करते, पहला केवीएस और दूसरा बिहार प्राइमरी टीचर एजुकेशन वाला जो है। ये फैसला पहले ही आ जाता तो हम फॉर्म नहीं भरते और बिहार जाने की तैयारी नहीं करते। देखिए, हम एक चीज मैं आपको बता दूं, हम आपसे ही जानने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से, और जो आपको सुनेंगे, जो व्यूअर, जो छात्र आपको सुनेगा, वो अच्छे से समझ पाएगा। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने हमको प्राथमिक से भी छीन लिया, आपने प्राथमिक से भी छीन लिया, जूनियर की बात कर रहे हैं, जूनियर में मौका देंगे, लेकिन वही बीटीसी वालों को जूनियर में प्रमोट करके जूनियर में कर देते हैं, और ना कोई कोर्स, ना कोई क्वालिफिकेशन, सिर्फ प्राइम बीटीसी के आधार पे जूनियर में ले लेते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जूनियर आज इतिहास देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, आज तक जूनियर की कोई स्पेशल वैकेंसी रिलीज किया हुआ आयोग ने तो हमें बता दीजिए, किसी एक वैकेंसी रिलीज किया हो तो 2021 में 1400 वैकेंसियों पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं करवाई है। ठीक है, तो हम कैसे उम्मीद लगाएं कि हम बीएड वाले जूनियर में टीचर हो सकते हैं? आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं, इनसे हमने बात करी है, बीएड के छात्र हैं, इन्होंने एनसीटी की जो कार्य प्रणाली है वो भी बताया, 2018 में क्या कोर्ट के फैसले को लेकर के भी बताया, साथ ही क्षेत्रीय जो ये इनके सांसद हैं, जो इनके क्षेत्र के, वो इनकी मांगों को लेकर के सेंट्रल तक जाएं, संसद में इस मुद्दे को रखें और एक अध्यादेश ला करके इनको दोबारा से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी जो है वो बरकरार करें। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार यादव, लखीमपुर से आया हुआ हूँ। किस वजह से आप यहाँ धरना दे रहे हैं? धरना इस वजह से दे रहा हूँ कि सरकार ने 2018 में एक अध्यादेश लाई थी, एनसीटी गजट आया था, उसने कहा था कि हम प्राइमरी में बीएड धारकों को एलिजिबल समझ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एलिजिबल किया था, इसी आधार पर हमारे प्रदेश के और देश के बहुत सारे युवाओं ने, लगभग सभी ने बीटीसी कोर्स को कम प्राथमिकता देते हुए बीएड कोर्स को अपना लिया था, और हमारे बहुत सारे युवाओं ने बीएड कोर्स किया। ठीक है, और आज उसकी तैयारी कर रहे थे, आज 5 साल हो गए गवर्नमेंट को लगातार, उसके बीच में 2 भर्तियां आई, उसमें से 1 भर्ती में 68,000 में बीएड को नहीं लिया गया था, लेकिन 69,000 भर्ती जो आई उसमें बीएड को शामिल किया गया था, लेकिन सभी युवाओं ने यह सोचा कि अगर हमको बीएड और प्राइमरी और जूनियर दोनों में रखा जा रहा है तो हम क्यों ना बीएड को प्राथमिकता दें, तो सभी युवाओं ने प्रदेश के बीएड कोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार, आज 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, गजट जारी किया, उसने कहा कि हम बीएड को प्राइमरी में नहीं रखेंगे, एलिजिबल नहीं समझते हैं।